हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक दो दिन के बाद, वो मेरे लिए बहुत टाइम हो जाता है। तो आज मैं निकली हूँ बाहर कुछ काम से। अब काम वाम खत्म करके मुझे अपने फैमिली के साथ जाना है मंदिर माथा टेकने, बिकॉज इट्स बिन सो लॉन्ग, हम कहीं गए नहीं है। तो आज हम जाएंगे शायद साईं धाम या तो कोई और मंदिर, वहां माथा टेकेंगे, बाहर से खाना पीना खाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक। तो सुबह मुझे लगी थी भूख और मुझे लग रहा था कि मुझे आज कुकिंग करनी चाहिए, तो मैंने बनाई अपने हाथों से पालक। हाँ, मम्मा की थोड़ी हेल्प ली थी, बट या इट वॉज रियली यम्मी। तो अभी ग्राइंड करने के लिए हम रख रहे हैं जो अनियंस और गार्लिक मम्मी ने पहले काट दिए हैं, तो अभी फटाफट से ये ग्राइंड कर लेते हैं। मसाला पीस के हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मेरा भाई प्याज ऐसे खाता नहीं है, कच्चे खा जाता है, बट सब्जी में नहीं खाता। क्या गधा है, सब्जी में कहता है मेरे को पीस के डाला। हाँ, तो अभी हो गया है, ये ग्राइंड हो चुके हैं एंड अभी हम इसे डालेंगे ऑयल में। अनियंस डाले हुए हैं और भूनने के लिए ये वेट करेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए, करेंगे हम ग्राइंड टोमेटोज। तो अनियंस के बाद हमने टोमेटोज डाल दिए हैं और नमक और थोड़ा ब्राउनिश करके नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च वगैरह सब डाल दिए हैं। अब थोड़ा हम वेट करेंगे। कर रहे हैं हम ग्राइंड जो पालक पहले से मम्मी ने क्या करा रखी है, बॉईल की हुई है, अब वो हम ग्राइंड करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे पालक। अब हम ऐड करने लगे इसमें पालक। तो पालक हो गया रेडी। कोई मैगी था ना, आ गया अपना लाता पालक बनाइए। मम्मी हुण सानू टिका नहीं है, तुसी सारी चीजा पहले कट करके सब कुछ तैयार करके रख लो, तो मेरी की गलती है। हुण तुसी उठो, एक बजे तो मैं एक बजे तक थड़ी जगह मैं इधर होने आदी जिदे हाथ लगदे है ना ओदा नाम लग जांदा है। हां, चल ते अपना नाइ कराना, मैनू नहीं चाहिदा। मेरा नाम है, इतने दिनों के बाद धूप आई है, अब थोड़ी देर हम दरवाजे पे धूप में बैठे हैं। मैं तो ऊपर जा रही हूं छत पे धूप सेकने, आराम से लेटूंगी। कोई नहीं, कंबल लेके चली जाऊंगी। पर यार कितना अच्छा लग रहा है धूप सेक के। दोबारा से चेंज वगैरह करके मैं आ गई और मैं इन लोगों का वेट कर रही हूँ, कब से ड्रामे कर रहे हैं, मतलब एक घंटा हो गया हमें ये सब करते हुए और अभी तक निकले नहीं है। एंड इट्स ऑलरेडी 5 एंड पहुँचते 6 बज जाएंगे, मतलब निकलते मुझे लग रहा है आधा घंटा मुझे और वेट करना पड़ेगा और इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। तेरी झलक की शर्मी अबर उम्मीद तेरी झलक की बर्फी ओ शर्मी तेरी झलक पूरा चक्कर ओ शर्मी की हो रही है बेइज्जती होती है पुत्र। डैडी उन कुछ तो सीखेंगे कुछ तो करेंगे, तू ही कर लो। तेरी झलक की शर्मी को मम्मी नु केड़ी आदत बह गई, डैडी केड़ी आदत पई है मम्मी नु, केड़ी जड़ी देखदे है की देखदे है, फेसबुक देखदे है तेरी झलक शर्मी। तो हम फाइनली एक घंटा ड्रामे करने के बाद हम अब घर से निकले हैं और पापा बोल रहे थे कहीं जाना है तो फिर हम और मंदिर भी ने चुन के ढूंढा है पूरे शहर के बाहर।
पूरा नॉर्थ साउथ में है है डैडी कोई और मंदिर नहीं सी जिथे मत्था टेक सकते सी जिथे मर्जी ले जाओ मत्था टेकना हुन तुसी मत्था टेक रहे जिथे मर्जी ले जाओ हुन तुसी एक बार बोलता कि उत्थे जाना है तां हुन 10 मिनट जी मंदिर होवे उत्थे ले जाओ होवे पर नहीं हुन उन्होंने मुंह चो कड्या सीगा ते हुन असी जा रहे हां मंदिर एंड वेले असी आए सीगे आज वीकेंड आज वीकेंड आज ऑफिस है नहीं सीगा डैडी ना ताड़े भी छुट्टियां लड़ी जतिन तो वैसे ही पढ़ाई तो रब करके दूर दूर भजदा जतिन को तो अच्छा लग रहा होगा उसकी पढ़ाई से छुट्टी हुई है मेरे पापा की छुट्टी थी आज छुट्टी हो गई मेरी भी छुट्टी हो गई जतिन की भी छुट्टी हो गई मम्मी की भी आज छुट्टी हो गई किचन में ज्यादा रहना नहीं पड़ा क्यों दो टाइम का खाना बनाया मैंने तो एक ही टाइम का खाया है मैं बाकी नहीं गिनूंगी तीसरी बार आके बनाऊंगी साग नहीं खाना मैं भी साग नहीं खाना कुछ अच्छा मैं दाल फुल्का नहीं खाना मैं दो दिन ही चंगी तरह खाती हूँ मैंने कुछ अच्छा खाना No, वो कल दोपहर ही बनेंगे राजमा चावल पुलाओ बटर वाले हर हाथ की दाल बना डैडी वास्ते बना देना या मैनू दाल नहीं खानी मास्क ले लेते हैं एंड चलते हैं अंदर माथा टेकते हैं डैडी आपने अच्छे से दर्शन कर लिए अब कितने मिनट बैठे हो अंदर एक मिनट दो तीन मिनट तो बैठे हैं आए कितने टाइम का सफर करके हो यहाँ पे आए हम आधा पौना घंटा का सफर करके 50 मिनट टोटल लगे हैं मम्मी ऑलमोस्ट 1 आवर यस दूर है ना पर खाली है इसलिए फिर मजा आता अगर आप लोग बैठते और हमें जबरदस्ती बोलते बैठ के पाठ करो चले अब आप चलते हैं घर अंधेरा होने से पहले हमें घर पहुँचना है और मम्मी को तंग कर रहे हैं कि रात को क्या बनाएंगे और क्या खिलाएंगे तो अभी हम आए हुए हैं पनीर टिक्का और डोसा खाने एज यूजुअल हे सो दैट वाज इट फॉर टुडे इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टिल देन गुड बाय